हाय एवरीवन वेलकम टू करण क्रंच तो आज का जो हमारा वीडियो है स्पेसिफिकली आपके इस डाउट को लेके है कि हमें क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि मेरे जो सोर्सेज हैं क्या वो सफिशेंट है कि नहीं ठीक है और हमें क्या पढ़ना है हमें कौन सी बुक्स इसके लिए पढ़नी है तो मैंने सोचा मैं इस चीज़ का वीडियो ही बना लेती हूँ क्योंकि मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है आपके हर मेल को एंड हर कॉमेंट को जहाँ पे सेम क्वेश्चन लिखा हो बार बार आंसर करना ठीक है तो पहली बात मैं आपको बताऊं ये जो जेके एस एस बी का सिलेबस है ये बात एक समझ लो इसकी कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है मार्केट में नो स्टैंडर्ड बुक ऐसा नहीं है कि कोई एक बुक हो जिसमें जो एक ऑथेंटिक बुक हो ठीक है और उसमें सारा जो आपका सिलेबस है वो कवर होता हो ये जो बुक्स बाद में मार्केट में आती है सिलेबस के बाद तो ये मैंने उनकी क्वालिटी पे मैं ये नहीं बोल रही पर ये बुक्स यूजुअली बाद में सिलेबस को देख के डिजाइन की गई होती हैं एंड जल्दी इनको पब्लिश करनी होती है सिलेबस ताकि बच्चे जल्दी से बुक्स खरीदें तो उसको आप स्टैंडर्ड बुक नहीं बोलोगे स्टैंडर्ड मटेरियल होता है आपका जैसे आपके एनसीआर टीज है या आपका इग्नो मटीरियल है ठीक है या कोई आपकी बुक होती है जैसे आ, आप कोई अगर सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा उनको पता है लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए एक बुक मानी जाती है स्टैंडर्ड बुक या आपके सोशोलॉजी के लिए नितिन सांगवान काफी एक कॉम्प्रहेंसिव बुक है ठीक है वैसी बुक आपके लिए एस एस बी के इस एग्जाम के लिए आई हैवेंट कम अक्रॉस एनी सच बुक तो एक बुक पे आप रिलाई करोगे वो छोड़ो वो चीज आप भूल जाओ ठीक है सेकेंडली हमें देखना है कि मुझे पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि क्या आपके वीडियो सफिशियंट हैं देखो मैं आपको कुछ बातें बोलूंगी देन आई लीव इट अप टू यू कि आपको कैसे इस चीज को जो है आगे समझना है देखो होता क्या है मैं वीडियोस बनाती हूँ ठीक है इन वीडियोस के पीछे लगती है मेरी एक्सटेंसिव रिसर्च और मोस्टली जो मेरे वीडियोस होते हैं अगर वो डेटा होगा तो वो गवर्नमेंट वेबसाइट का होगा मटेरियल होगा तो वो इग्नो एनसीआर या कोई आपकी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है या ऑफिशियल कुछ वेबसाइट ऑर्गेनाइजेशन की वहां से भी अपना जो मटीरियल है वो लेके स्लाइड्स बना के आपको वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ ठीक है तो आपको क्या करना है कि अब आपका क्वेश्चन होता है क्या हम सिर्फ यही वीडियोस फॉलो करें क्योंकि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड बुक्स नहीं है अब आप क्या कर सकते हो खुद इग्नोर मटीरियल एनसीआर टी से ढूंढ सकते हो बट दैट वुड वेस्ट योर टाइम क्योंकि वो ऑलरेडी मैं आपके लिए कर रही हूँ तो आपको क्या करना है आपको मेरे वीडियोज देखने हैं इन वीडियो के बाद जो मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे देती हूँ आपको उन पीडीएफ से वो रिवाइज करने हैं या आई वुड से उससे भी बेटर ऑप्शन है अगर आप अपने खुद के नोट्स बनाओ शॉर्ट पॉइंट फॉर्मेट में वो नोट्स बना लिए फिर आप उन नोट्स को रिवाइज करो बार बार रिवाइज आपने किया उसके बाद क्या करोगे आप जो मेरे एमसी क्यू वीडियो है वो तो आपको सॉल्व करने ही है प्लस आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं बाकी वेबसाइट से ऑनलाइन आपको काफी अच्छी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पे काफी ज्यादा एमसीक्यूज आपके इन टॉपिक्स के होंगे आप सर्च करोगे एमसी ऑन सोसाइटी एमसीक्यूज ऑन जैसे जो हमारा आज का टॉपिक था यूनिट फाइव वाला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वहां से आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे तो वहां पे आप कुछ कुछ नए कॉन्सेप्ट देखोगे सारे भी नहीं जो आपको लगे कि हाँ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो न्यू कॉन्सेप्ट से आप जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको सप्लीमेंट करोगे दैट अब आपके पास वो वीडियोज भी है उनके बनाए हुए नोट्स भी हैं प्लस आपके पास न्यू इन्फॉर्मेशन भी है जो आपको एमसीक्यू से मिली है और फिर वो जो आपके कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनेंगे वो आपको रिवाइज करने हैं वो एटलीस्ट आपको टेन टू फिफ्टीन रिविजन जो है एग्जाम से पहले हुए होने चाहिए अगर आप फॉर एग्जाम्पल टू थाउजेंड पेजेस बनाते हो अलग अलग रिसोर्सेस कंसल्ट कर करके वो क्या फायदा आएगा वो बस आपको एक ईगो सेटिस्फाई करेगा कि मैंने इस टॉपिक के लिए दस बुक्स पढ़ी हैं पर वो मैटर नहीं करता है मैटर क्या करता है कि वो जो आपने पढ़ा है उस पढ़ने के बाद क्या वो रिटेंशन है आपने वो रिटेन किया है जो आपने पढ़ा है एंड उन उस पढ़ने से क्या आप एमसी सॉल्व कर पा रहे हो तो आपको इसका एप्लीकेशन पार्ट देखना है ना कि सिर्फ मैं इतना पढ़ू मैं इतनी बुक्स पढ़ू एंड स्पीकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस और मेरे बच्चों के साथ डील करने के एक्सपीरियंस से कि आप एक टॉपिक के लिए दस रिसोर्सेज फॉलो नहीं करो Instead, एक एक टॉपिक के लिए आपने एक दो रिसोर्सेज फॉलो कर लिए उसके बाद उन पर रिलाई करो एंड वो बार बार रिवाइज करो रिवीजन जब तक आपने नहीं किया होगा फिर चाहे आपने कितना ज्यादा भी पढ़ा हो वो मैटर नहीं करेगा रिवीजन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फाइन और मोस्टली अगर आप देखोगे एग्जाम के बाद 90 टू 95 परसेंट जो आपका पेपर है वो आपके अपने नोट से ही सॉल्व हो जाएगा लेकिन प्रॉब्लम हुई होगी अगर अगर हो प्रॉब्लम सॉल्व करने में तो वो आपके रिविजन में होगी तो हमेशा रखना ये याद कि ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना जो ये रिसर्च है कि मुझे किस बुक से पढ़ना है किन वीडियोस को देखना मैं ये नहीं कह रही स्पेसिफिकली आप मेरे ही वीडियो देखो आप यू बी योर ओन जज खुद ही डिसाइड करो कहां से आपको क्वालिटी मटेरियल मिल रहा है ठीक है तो आपको क्या करना है ये जो रिसर्च है कि मुझे क्या फॉलो करना है ये पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले की रिसर्च होनी चाहिए ऐसा नहीं है फिर हर टॉपिक पे आप दो दो तीन तीन दिन रिसर्च करो एंड एंड रिजल्ट जीरो हो आप सिर्फ टाइम ही वेस्ट करने में लगे रहो ठीक है तो ये रिसर्च आप पहले कर लो फिर आपको एक रिलायबल चैनल मिल गई रिलायबल मटीरियल मिल गया उस पर फिर रिलाय करो एंड वो रिलाय आपको कैसे पता चलेगा आपने सही किया है कि नहीं उसके बेसिस पे आप अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके एम सॉल्व करने की कोशिश करो ठीक है जितना ज्यादा आप एम करोगे प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा आपके वो मेमोरी से वो रिकॉल करने का पावर इजी हो जाएगा और ये आपको हेल्प करता है फाइनल एग्जाम में फाइनल एग्जाम में ठीक है एंड प्लीज इस चीज के पीछे नहीं जाना जैसे आप बोलोगे कि कोई वीडियोस हैं वो छोटे जल्दी खत्म हो रहे हैं पंद्रह मिनट या दस मिनट किसी ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे लगाए तो मैं वही देखूंगा मेरा ऐसे जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो ये सब करके आप करोगे क्या आप जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में लगोगे पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने सिलेबस सारा कंप्लीट किया हो पर एटलीस्ट आपने सिलेबस उतना कंप्लीट किया हो जहां से क्वेश्चन आपके बने एंड जो आपके एग्जाम में हेल्प करे कि सिर्फ आपको अपना ईगो सेटिस्फाई करना है कि सिलेबस कंप्लीट है चाहे मैं कम कम ही पढ़ू कम कम ही पढ़ू नहीं है ना वो कोई ऑप्शन में ही नहीं है मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी जहां पे हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया था वो भी डिस्कस करेंगे तो आप खुद ही देखोगे क्वेश्चंस की डेप्थ और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है तो आपको ओवर प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे अंडर प्रीपेयर्ड रह आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सकते हो कोई एग्जाम क्वालिफा नहीं कर सकते हो अंडर प्रिपेयर्ड रह के आपको हमेशा सोचना है कि ये जो एग्जाम है मुझे फर्स्ट टू फाइव रैंक में आना है क्वालिफाई करके तो ही आपको जाके कोई एक रैंक मिलेगी तो ही आप जाके क्वालिफाई करोगे अगर आप पहले सोचोगे थोड़ा बहुत पढ़ लूँ सिर्फ तो उससे क्या होगा थोड़ा बहुत पढ़ लू उसे क्वालिफाई तो नहीं कर पाओगे बस एग्जाम में बैठ के कुछ क्वेश्चन जो है वो अटेंड कर पाओगे ठीक है तो ये था आपका डाउट जो मैं चाहती थी कि मैं एड्रेस करूं तो आपको क्या करना है नोट्स वीडियोस अच्छे तो से देखने हैं अपने नोट्स बनाने हैं या पीडीएफ जो आपको देती हूं उससे रिवाइज करना है फिर आपको एमसी क्यू सॉल्व करने हैं जो एमसीक्यू सॉल्व नहीं होते हैं और जहां पे कुछ आप नया कॉन्सेप्ट देखते हो वो नया कॉन्सेप्ट आपको अपने नोट्स में सप्लीमेंट करना है ये आपके लिए बेस्ट तरीका हो सकता है पढ़ने के लिए आप जिसको फॉलो करना है करो जिसको नहीं करना है फिर 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 मैं क्या बोल सकती हूँ उस बच्चे मुझे पी वाई क्यूज लाने के लिए भी बोल रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है इस एग्जाम का तो वो पेपर मेरे पास है अभी वो उसका भी मैं वीडियो लेके आऊंगी और उस वीडियो से और दो सिलेबस डिफरेंट था वो आई गेस किसी और डिपार्टमेंट के लिए एग्जाम था पर था सोशल वेलफेयर का ही आपका तो जो सिलेबस उनका और हमारा सेम है उसमें फिर हम देखेंगे आप खुद ही देखोगे जो मेरे वीडियोस एंड नोट्स हैं उसमें से कितने सारे क्वेश्चंस आए थे ठीक है तो वो सारी चीजें मैं एड्रेस करूंगी सेपरेट वीडियो में जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे होंगे एंड हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है एंड मैंने आपको ये कहाँ पढ़ाया है ठीक है तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आपको 90 टू 95 फाइव परसेंट क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे अगर आप अपने ही जो खुद के नोट्स बनाए हुए हैं मेरे वीडियोस प्लस वो एमसीक्यू से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल के उनको आपने प्रॉपरली समझा हो एंड प्रॉपरली रिवाइज किया हो वहां से आप मेजोरिटी ऑफ द पेपर जो है वो सॉल्व कर पाओगे ठीक है फिर कोई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कहीं से भी आ जाते हैं कहीं से भी उनके लिए चाहे आप टेन बुक्स पढ़ो जरूरी नहीं वो उन टेन बुक्स में भी कहीं हो वो उसकी मर्जी होती है पेपर सेटर की वो क्वेश्चन कहा से देगा उन क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना क्योंकि मेजोरिटी का वो क्वेश्चन गलत होता है जो आपका सिलेक्शन डिटर्मिन करता है वो पता है कौन से क्वेश्चन होते हैं जो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जो क्वेश्चन ये अश्योरिटी है कि एटलीस्ट ये वाले क्वेश्चन सब बच्चों के सही होने चाहिए उन क्वेश्चन में अगर आप गलती करोगे ना तो वो आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी हिंड्रेंस होती है जो क्वेश्चन बेसिक कॉमन क्वेश्चन होंगे जो सब सही करेंगे वो आपको भी सही करने हैं तो जो इक्का दुक्का क्वेश्चन आप कहीं देखोगे कि ये फलानी वेबसाइट से आया था मतलब मैं वो सारा कुछ पढ़ूं तो वो चीज गलत है क्योंकि वो मेजोरिटी का गलत होगा वो चीज आपका सिलेक्शन जो है उतना ज्यादा रैंक में आपके फर्क नहीं लाएगा जितना आपकी सिलेक्शन में ये चीजें मैटर करेंगी जो एटलीस्ट क्वेश्चन सबने ठीक किए हैं आप वो ठीक करके आओ वो जो इक्का दुका क्वेश्चन इधर उधर से आ भी गया वो आप गैस करके इंटेलिजेंट गैसिंग करके या रूल ऑफ वो एलिमिनेशन जो मैं आपको बताती हूँ वो सॉल्व करके भी कोशिश कर सकते हो सॉल्व करने की ठीक है पर आपकी कोशिश होनी चाहिए मेजोरिटी जो आपके क्वेश्चन हैं जो आपके आई एम श्योर आपके नोट्स से ही आएंगे इधर उधर से वो आपके सही होने चाहिए ठीक है और वो सही होंगे आपके प्रॉपरली जब आपने रिवाइज़ किया होगा टेस्ट सीरीज मॉक्स वगैरह अटेंड करे होंगे तो ये था आपका आज का वीडियो टिल द टाइम है आप लोग नेक्स्ट वीडियो ब बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे